ससुराल में सगी और सौतेली बहन की पहली गर्मी। केशव की पहली पत्नी मर गई थी। 4 साल की बेटी को संभालने के लिए वो अनीता नाम की लड़की से शादी कर लेता है, जो कि कुछ समय बाद राधिका को जन्म देती है। काव्य राधिका की सौतेली बहन थी, तो वो उसके साथ सौतेला व्यवहार ही करती थी। ऐसे ही एक दिन केशव दफ्तर से आकर कहता है, अरे देखो तो मैं क्या लेकर आया हूँ, क्रिस्पी चोको चॉकलेट। किसकी है? और ये स्ट्रॉबेरी वाली? अरे पापा, ये चॉकलेट वाली तो मेरी है। नहीं नहीं, ये चॉकलेट वाली मेरी है पापा, मुझे खानी है ये चॉकलेट वाली आइसक्रीम। पर बेटा, तुम्हें तो स्ट्रॉबेरी पसंद थी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लाया था। नहीं नहीं पापा, मुझे तो चॉकलेट ही खाना है, स्ट्रॉबेरी मुझे नहीं पसंद। अब मैं बोर हो गई हूँ, इसलिए मेरा चॉकलेट खाने का ही मन है, मुझे तो चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए। पर ये तो मेरी चॉकलेट है, मुझे खानी है, पापा मेरे लिए लाए हैं। अरे तू तो हमेशा खाती रहती है, आज मुझे दे देना। उनकी बात सुनकर अनीता आकर कहती है, अरे क्या बच्चों की तरह लड़े जा रही हो दोनों, और काव्या तुम तो बड़ी हो ना, अपनी छोटी बहन के लिए इतना नहीं कर सकती, दोनों की शादी की उम्र हो रही है, ऐसे ही रहोगे क्या हमेशा? ठीक है माँ, मैं दे देती हूँ इसको आइसक्रीम, ये लो राधिका। बहुत हो गया है इसका, ये मेरी बेटी को कभी खुश नहीं रहने देती, इसको तो इस घर से बाहर निकालना ही पड़ेगा, इसके लिए कोई लड़का देख लेती हूँ और शादी करा कर भेज देती हूँ, फिर मेरी बेटी खुशी से रहेगी। ये कहकर अनीता अपनी सौतेली बेटी के लिए रमन नाम के लड़के का रिश्ता देखती है, जिसके बाद केशव को रमन पसंद आ जाता है और कुछ ही दिनों में उन दोनों की सगाई हो जाती है। वहाँ रमन का छोटा भाई कार्तिक भी आता है, जिस पर राधिका लट्टू हो जाती है और कहती है, ये कार्तिक तो बड़ा ही हैंडसम है, इससे तो शादी मैं ही करूंगी, और कमाता धमाता भी अच्छा है, क्यों ना मैं इसको अपने चक्कर में फंसा लूं। अरे वो तो इसी तरफ आ रहा है। जैसे ही कार्तिक उसके करीब से निकलता है, राधिका उससे टकरा कर गिर जाती है, फिर कार्तिक उसे संभाल लेता है। वहीं से राधिका कार्तिक को अपने प्यार के जाल में शादी होने तक धीरे धीरे फंसा लेती है, जिसके बाद उसकी बहन की शादी वाले दिन वो दोनों छुप कर शादी कर लेते हैं, और जब रमन काव्या चौखट पर खड़े होते हैं तो वो दोनों भी वहां जाते हैं। उन्हें शादी के जोड़े में देखकर सास निर्मला कहती है, ये सब क्या है कार्तिक, तूने काव्या की बहन राधिका से शादी क्यों की? क्या तुझ में शादी की इतनी हुड़दंग मची थी कि तूने मुझे बताना मुनासिब नहीं समझा, और अपने भाई की शादी के दिन ही तूने शादी कर ली? यहाँ लोग तुम दोनों को ढूंढ कर परेशान हुए, अलग, और ये कदम उठाया, क्या मतलब है इसका? माँ, जो भी हुआ जल्दबाजी में हुआ, हम बता नहीं सकते थे, और हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे, हम भी शादी करना चाहते थे पर किसी से कह नहीं सके। राधिका, तुझे पता है मैं कितना परेशान हुई, हम तुझे ढूंढ रहे थे, तूने माँ को भी नहीं बताया कि तू कार्तिक से शादी करना चाहती है। देख, तुझे मुझसे सवाल जवाब करने का कोई अधिकार नहीं है, तो तू मत बोल। अब तू भी इस घर की बहू है और मैं भी इस घर की बहू हूँ, मैं इतना जानती हूँ। हाँ माँ जी, मुझसे गलती हुई, पर मैं भी अपनी शादी की गृहस्थी शुरू करना चाहती हूँ, माँ से कहती तो वो मेरी शादी कभी नहीं कराती, इसलिए मजबूरन ये कदम उठाया हम दोनों ने। मेरी बहन खुशी खुशी यहाँ रहे और मैं इसे जाने दूँ? नहीं, मैं तुझे परेशान करने के लिए यहाँ आई हूँ, और कार्तिक भी अच्छा है, एक तीर से दो निशाने। माँ, जो हो गया सो हो गया, अपनाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। बहुत अच्छा किया तुम दोनों ने, बहुत बढ़िया बेटा। अपनी बहू बेटों को तानों का भरा बाण छोड़ने के बाद बेमन से निर्मला उन चारों का गृह प्रवेश कर अंदर लाती। दिन गुजरते हैं, काव्या घर की सारी जिम्मेदारी अच्छे से संभालती है। ये देखकर राधिका को चिड़न महसूस होती है, और वो धीरे धीरे अपनी सास के दिमाग में अपनी सौतेली बहन के लिए नफरत भर देती है, जिससे निर्मला का मन भी वैसा ही हो जाता है, और अब वो राधिका से प्यार से बात करती थी और काव्या से घर का सारा काम करवाती थी। गर्मी का मौसम आ गया था, उसे परेशान करने के लिए एक दिन निर्मला कहती है, अरे बहू, चूल्हे की रोटी खाने का बड़ा मन है, तू जरा बना दे, और हाँ, बैंगन का भरता भी बना देना। माँ जी, इतनी गर्मी और दोपहरी में आप चूल्हे की रोटी खाएंगी? हाँ मेरा मन है, अगर तुझसे बनाया नहीं जा रहा तो कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ जी, कोई जरूरत नहीं है, मैं बना देती हूँ। ये कहकर काव्या चूल्हे पर खाना बना देती है, और बार बार रोटियां उन्हें डाइनिंग टेबल पर बनाकर परोसती है। हे भगवान, कितनी गर्मी हो रही है, चूल्हे पर खाना पकाने से ऐसा लग रहा है कि मैं ही तवे पर बैठ गई हूँ। कुछ देर बाद राधिका गर्मी से बचने के लिए अपने मुंह पर पानी का स्प्रे कर रही थी, और कूलर के सामने बैठकर कहती है,
हे भगवान, इस कूलर के आगे भी बहुत गर्मी लग रही है। माँ जी को कहती हूँ मेरे कमरे में एसी लगवाएंगी। अरे माँ जी सुनिए, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, आप आम तरबूजे मंगवा दीजिए और मेरी ससुराल में पहली गर्मी है तो एसी भी लगवा दीजिए, मैं ऐसे नहीं रह सकती। ठीक है, अभी मैं तेरी सौतेली बहन से कह देती हूँ, वो है ना सारा काम कर देगी और तेरे कमरे में एसी भी लगवा दूंगी। तभी भरी दोपहरी में निर्मला उसे जबरदस्ती आम तरबूज खरबूजा बाजार से लाने को कहती है, जिसके बाद दोनों सास बहू ठंडे ठंडे फल का मजा लेते हैं और एक बार भी काव्या से नहीं पूछते। ये देखकर काव्या कहती है, पता नहीं माँ जी मुझसे रूठी रूठी क्यों रहती हैं और कितने मजे से आम का मजा ले रहे हैं सब, मेरा भी खाने का मन है। माँ जी मुझे भी आम दे दीजिए। ओहो, हम दोनों ने मिलकर तो सब खा लिया, तू पहले क्यों नहीं आई? कोई बात नहीं, तू जाकर ठंडा पानी पी ले। ये सुनकर काव्या उदास हो जाती है। फिर निर्मला अपनी छोटी बहू के कमरे में एसी लगवा देती है। ये देखकर काव्या अपने कमरे में एसी लगवाने को कहती है तो निर्मला साफ मना कर देती है, और उसका पति काम के सिलसिले से बाहर था, लेकिन कुछ दिन घर में रहकर वो अपनी माँ के बारे में काव्या के प्रति जान जाता है। ऐसे में निर्मला काव्या को बहुत टॉर्चर करती थी। एक बार वो इतनी बीमार हो गई कि डॉक्टर ने उसको ग्लूकोज लगा दिया और कहा, माता जी ये अभी बहुत कमजोर है, शरीर में पानी की कमी हो गई है, तो 2-3 दिन पूरा पूरा रेस्ट करवाना आप। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 2 दिन बाद ही निर्मला काव्या के पास आकर कहती है, अरे कब तक ऐसे बिस्तर में पड़ी रहेगी, चल उठकर काम कर, खाना पीना बना। माँ जी अभी मुझे कमजोरी महसूस हो रही है, उठा नहीं जा रहा। माँ जी ये सब इसके काम ना करने के बहाने हैं, ये मायके में भी ऐसे ही करती थी। अच्छा चुपचाप उठ जा, काम करने के लिए तेरा कोई बहाना नहीं चलेगा। जी माँ जी। ये कहकर काव्या उठकर काम करती है, खाना बनाती है तो थककर कहती है, अब मुझसे और काम नहीं हो रहा, थकावट सी महसूस हो रही है। ये कहकर वो गिरती है कि रमन आकर उसे संभाल लेता है और उठाकर कमरे में ले जाता है और कहता है, काव्या तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? माँ माँ यहाँ आइए। काव्या बेहतर होगा तुम मुझे सब कुछ सच सच बताओ। कुछ नहीं, थोड़ी सी कमजोरी है बस, माँ जी ने काम करने को कहा था। तभी निर्मला आकर कहती है, अरे आ गया मेरा बेटा, तूने तो सरप्राइज कर दिया, और चिल्ला क्यों रहा है? माँ काव्या की हालत देखिए, ऐसी हालत में इससे काम क्यों करवाया आपने? मैं जानता हूँ आप काव्या को पसंद नहीं करती हो, तो आप उसके साथ ऐसा करोगी? हाँ क्योंकि मुझे ये नहीं पसंद सौतेली बहू, इसलिए मैंने ऐसा किया। माँ आप जानती हो उसे माँ का प्यार कभी ठीक से नहीं मिला, अनीता माँ ने भी नहीं दिया, आपसे वो इस चीज की अपेक्षा कर रही थी लेकिन आपने उसका दिल तोड़ दिया, आखिर बिचारी ने क्या बिगाड़ा है आपका? मुझे माफ कर दे बेटा, पता नहीं मुझे क्या हो गया था जो मैं अपने आप ही बहू के साथ ऐसा व्यवहार करने लग गई थी। देखा जाए तो वो बहुत अच्छी है, अब मैं काव्या के साथ ऐसा कुछ नहीं करूंगी, बहू मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं माँ जी, मुझे आपकी किसी बात का बुरा नहीं लगा। काव्या मुझे माफ कर दो, माँ जी को मैंने भड़काया था तेरे खिलाफ, मैं बहुत बुरी बहन हूँ। कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला, भूल जा बीती बातें। इस तरह दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगती हैं और निर्मला दोनों को बराबर प्यार करती है। सीलमपुर गांव में चंदा नाम की एक खड़ू सास रहती थी, जो कि अपनी श्रद्धा बहू से हर वक्त कमर तोड़ काम करवाया करती थी। साथ ही उसका 3 साल का एक गोलू नाम का पोता था जिसे वो बहुत प्यार करती थी, उस पर जान छिड़कती थी। ऐसे ही शाम के समय गोलू बहुत रो रहा था, तभी वो कहती है, अरे ओ करमजली कहाँ मर गई? अरे देख गोलू कितना रो रहा है, पर तुझे तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अरे इसे भूख लग रही है, दूध पिला दे। आई माँ जी, वो फ्रिज साफ कर रही थी माँ जी। सारे काम भाड़ में जाए, पहले मेरे पोते को देखा कर, अगर मेरे पोते को जरा सा भी रुलाया या उसके साथ लापरवाही की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आगे से नहीं होगा माँ जी। आजा आजा गोलू बेटा, बुकी बुकी लग रही है ना? तभी श्रद्धा अपने बच्चे को कटोरी चम्मच से दूध पिला देती है, फिर उसके साथ खेलने लगती है। कुछ देर बाद श्रद्धा का पति विक्रम ऑफिस से आ जाता है और अपने बच्चे को गोद में लेकर कहता है, अले 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 गोलू बेटा, देखो पापा तुम्हारे लिए लकड़ी की काठी लाए है, चलो बैठ कर दिखाओ इस पर। अजी अभी वह छोटा है,
एक साल इस पर बैठ पाएगा। वक्त गुजरता है। एक दिन गोलू को सीढ़ियों से बचाते बचाते श्रद्धा अपनी जान गंवा बैठती है, जिसके बाद विक्रम टूट जाता है। गोलू को संभालना उसके लिए बेहद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बिन माँ का बच्चा आखिर कब तक पालता और वो कैसे संभालता। इसी समस्या से जूझते हुए पड़ोसन और चंदा उसे दूसरी शादी के लिए कहती है। बेटा ये ऐसे चुप नहीं होगा, अब श्रद्धा नहीं है तो उसे माँ का प्यार देने वाली तो कोई चाहिए ना। हाँ बेटा, कमला सही कह रही है, तू दूसरी शादी कर ले, गोलू के लिए ठीक होगा। माँ, मैं श्रद्धा से बहुत प्यार करता हूँ, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता। बेटा मैं तेरी भावनाओं को समझ रही हूँ, पर गोलू के बारे में भी सोच, मैं भी उसे कितना देख लूंगी, और तू काम पर जाएगा तो उसे माँ की रखवाली करने वाला तो कोई चाहिए ना। ठीक है माँ, आप मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए इस बारे में सोचने के लिए। ठीक है बेटा। तभी विक्रम कमरे में जाकर अपने बेटे को सुला देता है। विक्रम को सोचते सोचते दो दिन बीत जाते हैं। सुबह के समय विक्रम अपने बेटे को पार्क में लेकर चला जाता है और उसके साथ वहाँ खेलने लगता है। तभी वो घुटने चलते चलते एक नाली की तरफ पहुँचने वाला था कि कुसुम नाम की विधवा लड़की उसे देख लेती है। अरे ये छोटा सा बच्चा तो उस नाली की ओर जा रहा है, कहीं से चोट लग गई तो मुझे बचाना ही होगा। गोलू उस नाली में जाकर गिरे उससे पहले कुसुम आकर उसे बचा लेती है और उसे अपने सीने से लगाकर कहती है। अले अले ले ले ले, प्यारे बच्चे तुम ठीक तो हो ना? शुक्र है मैंने इसे वक्त पर बचा लिया, वरना जाने क्या होता, इसके माता पिता कहाँ हैं? कुसुम को बचाते हुए देख विक्रम उसके पास आकर कहता है। शुक्रिया शुक्रिया, आपने मेरे बच्चे को बचा लिया, वरना न जाने आज क्या हो जाता। कोई बात नहीं, मैंने इसे देख लिया था, वैसे आपका बच्चा बहुत प्यारा है, इसकी मम्मी कहाँ है? जी वो तो उसे कुछ दिन पहले ही छोड़कर चली गई, एक हादसे के दौरान। ओह माफ कीजिएगा, आप बुरा ना माने तो मैं कुछ देर आपके बच्चे के साथ खेल लूं, बहुत ही प्यारा बच्चा है, वैसे क्या नाम है इसका? इसका नाम गोलू है। तभी दोनों गोलू के साथ इस तरीके से खेलते हैं कि जैसे वो उन दोनों का ही बच्चा हो। उन दोनों को साथ में इतना हंसता हुआ देख कुसुम की पड़ोसन मालती कहती है। हे भगवान, ये मैंने अपनी आंखों से क्या गंदगी देख ली, पति को गुजरे हुए दो हफ्ते नहीं हुए और ये विधवा यहाँ दूसरे मर्द और बच्चे के साथ गुलछर्री उड़ा रही है। ची 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 ची, घोर कलयुग आ गया है। कुसुम तुझे जरा सी भी लाज शर्म नहीं है क्या? कुछ नहीं तो अपनी सास का ही ख्याल रख लेती। आंटी जी आप बुजुर्ग हैं इसलिए मैं आपका लिहाज कर रही हूँ, आपको कोई हक नहीं आप मुझे इस तरीके से कहें कुछ। देख रहे हो आप सभी लोग कितनी बच्चलन है ये। सच में यह दोनों बहुत बेशरम हैं, बच्चे की आड़ में एक दूसरे से इस तरह से मिल रहे हैं। विक्रम का खून खौल जाता है और वो कहता है। आपकी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके से बोलने की? इनके और मेरे बीच में कुछ नहीं है, ये बस मेरे बच्चे के साथ खेल रही हैं। कुछ नहीं है तो ये तुम्हारे बच्चे के साथ क्यों है? क्या संबंध है तुम्हारा, बोलो क्या संबंध है तुम दोनों के बीच में? मेरी पत्नी है ये होने वाली, और कुछ देख लीजिए। ऐसा कहकर विक्रम नारियल पानी वाले से चाकू लेकर अपना अंगूठा काट कर कुसुम की मांग भर देता है और ये कहता है। देखिए मुझे माफ कर दीजिए, वो लोग आपके बारे में बहुत उचता बोल रहे थे इसलिए मैंने ये कदम उठा लिया, पर यकीन मानिए मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगा, मेरा बेटा भी आपके साथ बहुत खुश है। ये बहुत गलत हुआ, माँ जी पता नहीं क्या कहेंगी। कुसुम विक्रम और गोलू को अपनी सास के पास ले जाती है, वो बहुत खुश होती है और दोनों को आशीर्वाद देकर शगुन देकर विदा कर देती है। तभी घर जाकर विक्रम अपनी माँ को वो सारे हालात बता देता है, जिसके बाद चंदा कहती है। विक्रम मैंने तुझे दूसरी शादी करने के लिए कहा था, पर ये नहीं कहा था कि तू एक विधवा को घर में लिया, मैं इसे अपनी बहू नहीं स्वीकारूंगी। माँ एक मौका तो दीजिए। दोनों उसका आशीर्वाद लेने की कोशिश करते हैं, पर चंदा बिना आशीर्वाद दिए अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन कुसुम खाना बनाकर लाती है और कहती है। माँ जी आपकी नाराजगी मुझसे है, कम से कम खाना तो खा लीजिए वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ज्यादा सती सावित्री बनने का नाटक मत कर तू, ये सब करके मेरा दिल नहीं जीत पाएगी। माँ जी मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही, आप खाना खा लीजिए मैं चली जाती हूँ। तभी कुसुम चली जाती है और चंदा खाना खा लेती है, जिसके बाद उसे आभास होता है कि कुसुम बहुत अच्छा खाना बनाती है, पर वो जताती नहीं। ऐसे ही अगले दिन जब वो कपड़े धोती है तो बहुत सारे कपड़े उसके पास पटक कर वो कहती है।
चार कपड़े धोकर क्या करेगी? मेरे कमरे के पर्दे, चद्दर, ये सब कौन लेगा? साफ कर इन्हें भी अच्छे से। जी माँ जी। ढेर सारे कपड़े धोने के बाद कुसुम थक जाती है, तभी चंदा परेशान करने के लिए कमरे में चाय गिरा देती है। अरे ओ करमजली, कहाँ मर गई? मेरे कमरे में चाय गिर गई है, जरा पोछा लगा दे। जी माँ जी, अभी लगाती हूँ। पोछा लगाने के बाद घर का काम करती है, खाना बनाती है और थक कर कमरे में बैठती है। अच्छा है गोलू बेटा अभी तक सो रहा है, मैं भी थक गई हूँ, आराम कर लेती हूँ। अरे ओ मधुशाला, मेरे पाँव में दर्द हो रहा है, जरा पाँव दबा दे। आई माँ जी। तभी कुसुम उठकर अपनी सास के पाँव दबाती है। और दबा पाँव। मेरे बेटे से दूसरी शादी की है ना, तो उन्हें विधवा कहेंगी, तुझसे तो अच्छा बदला लूंगी। जी माँ जी। चार महीने बीत जाते हैं, चंदा इसी तरह अपनी सौतेली बहू पर अत्याचार करती रहती है, पर कुसुम भी हिम्मत नहीं हारती। वो घर और सास के नखरे के साथ साथ गोलू को भी अच्छे से संभालती है। इस बात में विक्रम कुसुम का सहारा बनकर रहता है। एक दिन चंदा सीढ़ियों पर तेल गिराकर कहती है, तुझे तो मैं इस घर से निकलवा ही दूंगी, जब यहाँ से गिरेगी तो हॉस्पिटल में ही पड़ी रहेगी। इतना कहते ही चंदा उन सीढ़ियों से गिर जाती है। चोट लगने के कारण उसका बहुत खून बह जाता है। आवाज सुनकर कुसुम उसे कहती है, अरे माँ जी का तो बहुत सारा खून बह गया, मुझे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना होगा। कुसुम अपने बच्चे को चुन्नी से बांधकर अपनी सास को एक टैक्सी में बिठाकर जैसे तैसे हॉस्पिटल ले आती है। कुसुम फोन करके विक्रम को भी बुला लेती है। डॉक्टर चंदा को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। कुछ देर बाद चंदा को होश आता है, जहां चंदा के सामने उसके बहू बेटे और डॉक्टर खड़े होते हैं। विक्रम, गोलू। माँ, आप ठीक तो है ना? चिंता मत कीजिए, आपकी माँ खतरे से बाहर है। आपकी बहू बहुत बहादुर है जो आपको यहाँ लेकर आई और आपको खून की कमी होने से खून देकर बचा लिया। बहू, तूने मेरी जान बचाई, जबकि मैं तुझे इतना ताना देती थी, तुझसे काम करवाती थी, यहाँ तक कि आज मैं तुझे सीढ़ियों से गिराकर मारने वाली थी कि मैं खुद ही गिर गई, फिर भी तूने मुझे खून देकर बचा लिया। मुझे माफ कर दे बहू, मैं अपनी नजरों में गिर गई। कोई बात नहीं माँ जी, गलती तो इंसान से ही होती है, तो माफी मत मांगिए। इस तरह चंदा कुसुम से माफी मांग कर उसे बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। हाय रब्बा, कितनी गर्मी है, मुझे तो चक्कर आने वाले थे, अगर दो मिनट और हम घर में जल्दी नहीं आते। क्यों दीदी? बिल्कुल सही कह रही हो काव्या, हमने जो नींबू पानी पिया था रास्ते में, ऐसा लग रहा है उसका कोई फायदा ही नहीं हुआ, दो दो ग्लास और पी लेना चाहिए था हमको। मैं तो कह रही हूँ अगली बार से हमें सुबह ही मार्केट में जाना हो तो छाता लेकर चलेंगे, वैसे भी सांवली शक्ल है, कहीं और कोयले ना बन जाए ऐसी धूप में। वही तो माँ जी, वैसे भी हमें बिना बात के ताने दिए छोड़ती नहीं, इसलिए हमें अपनी स्किन का ख्याल रखना होगा। मैं तो तुम्हें अब भी बिना ताने दिए नहीं छोड़ूंगी, और रही बात छाता ले जाने की, तो तुम तो पहले से ही काली हो, ऐसे ही रहोगी, गोरी थोड़ी हो जाओगी। और अपने स्किन का ख्याल रख लो या फेस मास्क लगा लो तो भी तुम्हारी शक्ल ऐसे ही रहनी है। तुम चारों बहू इतनी काली हो कि मुझे अलग से दरवाजे पर नजर के लिए नींबू मिर्ची टांगने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। माँ जी, ये आप हमारी तारीफ कर रही थी या बेइज्जती? तुम खुद ही सोच लो, क्या मैंने तुम्हारी आज तक तारीफ की है? चारों काली बहू अपनी सास की बात से उदास हो जाती हैं। तभी दरवाजे पर गगन रोज नाम की अंग्रेजन लड़की को लाता है और अपनी माँ को पुकारता है। माँ, मैं आ गया, और देखो आपकी बहू भी लेकर आया हूँ। नमस्ते मॉम। गगन, ये तू क्या कह रहा है, तूने शादी कर ली किससे पूछकर? जानता है ना, घर में ये लास्ट शादी थी, तभी तेरी शादी में सब नाचना गाना चाहते थे और तूने अपनी मर्जी चलाई। और अंग्रेजन लड़की, अरे इसके पहनने का तरीका देख, कितना छोटा छोटा है, ऊपर से अंग्रेजी भाषा, ये हमारी भाषा नहीं समझ पाएगी। मैं नहीं चाहता था आप मेरे चारों भाई की तरह मेरी शादी भी किसी काली लड़की से करा दें, और वैसे भी मैं तो वहाँ पढ़ाई कर रहा था, तो मुझे रोज से प्यार हो गया, इसलिए मैं शादी करके यहाँ आ गया। देखो कितनी सुंदर है, गोरी है, क्या हुआ अगर इसे घर के काम करने नहीं आते? आप पांचों मिलकर सिखा देना, क्यों नताशा भाभी? अब तुम मुझसे कह रहे हो गगन, तो मैं जरूर देवरानी जी को सब सिखा दूंगी। Who is she, देवरानी? तू है बहू देवरानी, इस घर की सबसे छोटी बहू, और ये है तेरी चारों काली जेठानी। Oh God, ये कितनी काली बहुएं हैं। आपकी मॉम मतलब ये मेरी जेठानी ब्रदर इन लॉ की वाइफ है। हाँ, मैंने तुम्हें बताया तो था,
भले ही गगन बेटा तूने अपनी मर्जी से शादी करी, लेकिन तुझे तेरी अंग्रेजन बीवी बड़ी पसंद आई, बहुत गोरी चिट्टी है। अब इस घर में तू कोयले की खान में चमकता हुआ हीरा लगेगी। इसका मतलब आप खो भी मैं खाली जेठानी में शामिल खड़ू ब्लैक सास ब्लैक बहू। बहू तूने ज्यादा नहीं बोल दिया, अरे मैं भी तेरे जितनी ही गोरी हूँ, बस मेरा रंग पता नहीं चल रहा तेरे सामने। सारी बात यही करोगे क्या? मैं आरती की थाली लाती हूँ। ऐसा कहकर मायावती अपनी अंग्रेजन बहू का गृह प्रवेश करती है। चारों जेठानियां अपनी देवरानी के आने से बहुत खुश हो जाती हैं। अगले दिन रोज छोटे कपड़े पहनकर आती है और अपनी सास को गले लगाकर कहती है, माम जी गुड मॉर्निंग, बहुत देर हो गई है माम, चाय बनाकर लाई है ना, वो भी ब्लैक टी विदाउट शुगर। क्या 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 चाय बनानी है काली वाली? सुअर कैसा है, तू पागल है क्या? और कितना गंदा होता है, हाय हाय हाय, तू विदेश में सुअर खाती थी क्या? और ये क्या तूने मेरे पैर क्यों नहीं छुए, गले लग गई? क्यों मॉम, यहाँ पर अलाउड नहीं है क्या गले लगना? मैं आपके फिट टच करूं? वाह, मैंने कौन सी गलती कर दी? मैंने इंडियन फिल्मों में देखा है जब कोई बहू गलती करती है तो वो अपनी सास के पैर छूती और रोने लगती है। ये भगवान, ये अंग्रेजन बहू कितनी पागल है, एक तो इसके बोलने के आधे शब्द मुझे समझ आ नहीं रहे और आधे तो पता नहीं कौन से देश के कह रही है। माँ माफ करना, इसको मैंने यहाँ की भाषा सिखाने के लिए पुरानी हिंदी फिल्में दिखाई थी, तो बस वही वाला इसका गुड मॉर्निंग और आशीर्वाद लेने का यही तरीका है। चल ठीक है पहली रसोई भी बनाने से रही है। हाँ माँ। माँ जी हम खाना बना लेंगे, आप फिक्र मत कीजिए और देवरानी जी को अपने साथ रसोई में ले जाएंगे ताकि वो देखकर खाना बनाना सीख जाएं। गुलाबो देवरानी जी चलिए। देवरानी तुम्हारा नाम रोज है ना, तो वो हमसे बोला नहीं जा रहा इसलिए हिंदी में गुलाबो कहेंगे। तभी चारों काली जेठानी के साथ रोज को रसोई में जाना पड़ता है, जहाँ वो उन्हें खाना बनाता हुआ देख बहुत बोर होती है और कहती है, ओह गॉड, इन काली जेठानी के साथ अब मैं और नहीं पी सकती। काव्या जेठानी जी मैं यहाँ से जा रही हूँ, आप बना लो, आई फील कॉन्शियस। ऐसा कहकर अंग्रेजन बहू चली जाती है। वक्त गुजरता है, अंग्रेजन बहू ना कोई काम सीखती है ना ही मायावती उसे कुछ कहती है, क्योंकि वो उसी के पक्ष में होकर अपनी काली बहुओं से काम कराती है। पर एक दिन जब मायावती उससे कुछ काम करने को कहती है तो रोज बोलती है, आप मुझसे किसी काम की उम्मीद मत कीजिए और मुझे कोई काम नहीं करना, नौकरानी की तरह आप अपनी चारों काली बहू से खड़ा लीजिए, मुझे उनकी तरह काम करके और खाला नहीं होना। बहू तू इस घर की छोटी बहू है, तुझे भी काम करने आने चाहिए। आओ बुढ़िया बोला ना, मैं कोई काम नहीं करूंगी, अंग्रेजन बहू मायावती को डांट देती है। वहीं दूसरी ओर अंग्रेजन बहू अपनी चारों काली जेठानियों को हर वक्त काले होने का ताना देती है और उससे घर का सारा काम करवाती है। अब वो महारानी की तरह अपनी जिंदगी जी रही थी, जहां उसे ना सास कुछ कह सकती थी ना जेठानियां। चारों बहू घर का काम कर रही थी तो शॉर्ट ड्रेस में रोज आकर कहती है, ये तुम चारों जेठानियों के हाथ इतने धीरे धीरे क्यों चल रहे हैं, जरा जल्दी से काम करो। और हाँ, मैं पार्टी करने क्लब जा रही हूँ, वहीं पर गगन भी आ जाएगा, तो खाना वाना और सारा काम करके रखना और बुढ़िया को भी तुम्हें खिला देना। रोज तुमने इतने छोटे कपड़े क्यों पहने हैं, आसपास के लोग हमें वैसे ही तुम्हारी वजह से सुनाते हैं, ऐसे कपड़े पहनकर बाहर मत जाओ, साड़ी पहन लो। और माँ जी को तुम ऐसे कैसे कह सकती हो, अपनी बहू की मर्यादा में रहो। अब आप मुझे बहू की मर्यादा सिखाएंगी, जस्ट गो टू हेल ओके। रोज नताशा को धक्का देकर चली जाती है। तभी मायावती उसे उठाकर कहती है, तुम ठीक तो हो ना? माँ जी आप मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, जो मैं तुम चारों को पहचान ना सकी, मेरी अनमोल बहू तो तुम चारों हो, उस अंग्रेजन ने तो मुझे ब्रिटिश सरकार की तरह अपनी जगह दिखा दी, जो उनकी तरह इस घर में कब्जा कर रखी है, मुझे माफ कर दो बहू। तभी गगन का फोन आता है, भाभी मैं ट्रैफिक जाम में फंसा हूँ, मैं रोज तक नहीं पहुँच पाऊंगा, जाकर उसे बचाइए ना, जब मैंने उससे बात की तो मुझे कुछ गुंडों की और उसकी चिल्लाने की आवाज आ रही थी, जरूर उसने शॉर्ट ड्रेस पहनी होगी। वो मुसीबत में है, हम चारों अभी आते हैं। माँ जी देवरानी जी मुसीबत में है, हमें उसे बचाना होगा, आप यहीं रहना। तभी चारों हाथ में डंडा लिए अपनी देवरानी को ढूंढते हुए पहुंचती हैं, जो कि घर से ज्यादा दूर नहीं थी, और उन गुंडों को मार कर कहती हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारी देवरानी पर गंदी नजर डालो, अब देखो तुम्हारा हाल। जेठानी जी बचाइए मुझे। तभी चारों जेठानियां गुंडों को मार मार कर भगा देती हैं और अपनी देवरानी को घर ले आती हैं, जहां उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो कहती है, माँ जी जेठानी जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बात नहीं सुनी और आप सबके साथ बुरा बर्ताव किया, आई एम वेरी वेरी सॉरी। अगर तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है तो ये अच्छी बात है। हाँ तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है,
जेठानी, क्या आप मुझे साड़ी पहनना और खाना बनाना सिखाएंगे बदले में? मैं आपको इंग्लिश और वेस्टर्न ड्रेस अच्छे वाले पहनना सिखाऊंगी, छोटे वाले नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तभी गगन आकर रोज को गले लगा देता है और उससे हालचाल पूछता है, जिसके बाद सब ठीक हो जाता है। सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। काली जेठानी अपनी देवरानी को भारतीय संस्कृति सिखाती है, तो रोज उन्हें पिकनिक पर गाउन पहना कर ले जाती है।